और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर की खबर के साथ। शास्त्री नगर में युवक की मौत से जुड़ा पूरा मामला है। शास्त्री नगर इलाके में फिलहाल शांति है, अफवाहों पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दी। साइड देने को लेकर स्कूटी और रिक्शा चालक के बीच में झगड़ा हुआ था और देखिए झगड़े के बीच स्कूटी से गिरने पर कोहनी में लग गई थी युवक को चोट। घर पहुंचने पर दिनेश नाम के युवक के सीने में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। चाकूबाजी की घटना महज अफवाह यहां पर बताई जा रही है। हालांकि मामले में पुलिस ने देर रात तक एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, देखिए जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में आजाद कॉलोनी की पूरी घटना। रात को स्वामी बस्ती थाना इलाका शास्त्री नगर के अंदर एक स्कूटी चालक और ई रिक्शा चालकों के बीच में एक लड़ाई झगड़े की घटना हुई थी, जिसके अंदर उनकी जो गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई थी। आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में दोनों पक्ष अपने अपने घरों की तरफ चले गए। उनमें से एक युवक दिनेश स्वामी, जो कि साथ स्वामी बस्ती के रहने वाले थे, उनका घर जाने के बाद में तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। और दूसरा जो उनके साथी थे जितेंद्र स्वामी, वो अपने घर पे चले गए थे। और ई रिक्शा चालक थे, उनमें से तीन लोग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और चलिए अधिक जानकारी लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा बने हुए। सत्यनारायण, आपसे जानकारी जरा लेना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। झगड़ा हुआ, झगड़े में कोई युवक की जान चली जाती है, फिलहाल पूरा अपडेट दीजिए क्योंकि कई तरह की अफवाह भी यहाँ पर फैल रही है। सत्यनारायण, देखिए देर रात की घटना है जहाँ पर सड़क दुर्घटना के बाद में एक व्यक्ति अपने घर चला जाता है और घर जाने के पश्चात जब उसकी तबीयत खराब होती है तो अस्पताल उसको ले जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद में काफी संख्या के अंदर एक पक्ष के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरे पक्ष के लोग खिलाफ नारेबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने हत्या कर दी है। बाद में पुलिस रुक कर पहुंचती है और शांति व्यवस्था कायम करवाने के पश्चात एक युवक को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि इस मामले के पश्चात इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन कंट्रोल में स्थिति है। पुलिस का टीम व्यापक तैनात किया गया है। डीसीपी और एडिशनल डीसीपी के तमाम अधिकारी यहाँ मुख्य मौजूद है और लोगों से समझाइश की जा रही है कि जो आपकी सामंजस्य है और जो गंगा जमुनी तहजीब हमारी उसको कायम रखें और किसी प्रकार की अफवाह में ध्यान न देने की अपील की गई है। दोनों ही समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बैठा कर मीटिंग करवाई जा रही है जिससे कि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, जरा जानकारी दीजिए कि मौजूदा स्थिति की बात करें क्योंकि कई तरह की अफवाह यहाँ पर फैल रही थी, चाकूबाजी की बात भी यहाँ पर सामने थी। हालांकि प्रशासन लगातार यही कह रहा है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दे, लेकिन मौजूदा स्थिति को लेकर जानकारी जरा दीजिए, कैसी स्थिति, कैसा माहौल वहाँ पर। देखिए चाकूबाजी की घटना नहीं हुई थी, लेकिन चाकूबाजी की अफवाह होने पर ही इलाके में तनाव फैला था। दोनों ही पक्ष के लोग मौके पर इकट्ठे हो गए थे, लेकिन जब पुलिस के द्वारा समझाइश की गई, दोनों पक्षों के जो ऊपर बड़े बुजुर्ग है उनसे समझाइश की गई, बाद में माना गया कि हाँ ये चाकूबाजी नहीं हुई बल्कि एक मामूली घटना थी जिसके अंदर युवक की जान चली गई सड़क दुर्घटना के बाद में। उसके बाद में इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो शांति समिति की बैठक है वो ली जा रही है। इलाके में हालांकि तनाव जरूर है, दुकानें बंद है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है और पुलिस की गाड़ियां घूम घूम के लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है जिससे कि इलाके में शांति व्यवस्था को कायम किया जा सके, बहाल किया जा सके। फिलहाल पुलिस के अधिकारी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं जिससे कि इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए इस पूरी खबर पर। आगे बढ़ेंगे।